सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर कोतवाली नगर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर 50,000 लूट कर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी सुमेन वर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की है। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 12:30 बजे के आसपास की है। कोतवाली नगर के अमहट स्थित केपीएस पेट्रोल पंप पर 4 अज्ञात बदमाश आ धमके। पेट्रोल पंप के सेल्समैन मुकेश पांडे का कहना है कि बदमाशों ने असलाह सटाकर उनसे 50,000 कैश और एक मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। घटना के समय 3 और सेल्समैन भी पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। मुकेश ने घटना की सूचना तत्काल पेट्रोल पंप मालिक कसीर अहमद को दी। वो तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना के बाबत जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी सुमेन वर्मा, एएसपी विपुल श्रीवास्तव, सीओ सिटी राघवेंद्र चौधरी और नगर कोतवाल रामाशीष उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक पुलिस टीम ने सघन जांच पड़ताल की। एसपी सुमेन वर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खुलासे के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। क्या नाम है आपका? मुकेश पांडे। क्या हुआ, कैसे घटना हुई आपके साथ? रात को 12:30 बजे हम लोग यहाँ बैठे थे, 3-4 लोग रिवॉल्वर लेकर के आए और कहे कि माधव चौक तुम लोग यहाँ चौकीदारी कर रहे हो, और रिवॉल्वर लगा दिए, कहे जो है निकाल दीजिए। वो निकाल के ले लिए, अंदर ले गए कमरे में रिवॉल्वर लगा करके, वहाँ गल्ला तोड़ के जितना सबके पास पैसा था सब ले गए। लगभग 60-70 हज़ार रुपये लेके गए वो लोग। जाते समय गेट बाहर से बंद किए और चले गए। कहे सारे का गेट खोल के निकलो तो गोली मार दूंगा। वो लोग चले गए, तब हम सूचना दिए अपने पहले मालिक को, अपने मालिक के मिस्टर कसीर अहमद को। उसके बाद हम 100 नंबर को फ़ोन किए, उसके बाद पूरी फोर्स आई। तब हमारे मालिक जिसको सूचना दिए, जिले के सभी अधिकारी आए थे, सब लगभग डीएम एसपी साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, 2-3 थाने के लोग आए थे, सब लोग आए। आश्वासन दिए हैं कि देखिए 2-4 दिन में कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। क्या सीसी कैमरे में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है आपका? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, कभी आपने लगवाने की कोशिश किया? नहीं, कैमरा हमारा चल रहा था, 2-3 दिन से थोड़ा गड़बड़ था। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।